ठीक है, बीजेपी से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह जी स्वागत है आपका। इसी सवाल के साथ में आपके पास में आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सवाल समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए या वर्चस्व पांडे जी से सवाल हमने पूछा, तो वर्चस्व पांडे जी का कहना था कि जिस तरीके से मुगल शासन के दौरान चल रहा था, इसी तरह से तानाशाही की सरकार का दर्जा वो कहीं ना कहीं भाजपा को देते हैं। वहीं अगर एसके मेहंदी की बात की जाए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तानाशाही की सरकार है, सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है चुनाव कहीं ना कहीं आप जीते हैं, जनता ठगा महसूस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आशीष सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बधाई और शुभकामनाएं। और जो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं तानाशाही और हिटलर शाही और मुगल शासन की बात कर रहे हैं, ये लोग ये बिल्कुल गलत, इनका तथ्य है, इनका कथन है, इनका प्रश्न है, इनका सवाल, इनका जवाब खुद अपने आप में ये लोग भ्रमित हो चुके हैं। इनके पास कुछ ऑप्शन कहने के लिए शब्द इनके डिक्शनरी में, उनके दिल दिमाग में बचा ही नहीं है। ये लोग कहे क्या? ये लोग तो हवा में उड़ रहे थे, हवा की बात कर रहे थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्व बहुमत से सरकार जो बनी है, वह अपने सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्य पद्धति है, जो जनमानस में सेवा कार्य किया गया है, उस बल पर सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता ने, हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को सुना है, जनता की बातों को ध्यान से सुनकर मनन करके उसका हर समुचित समाधान कराने का प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करता रहेगा। इसी बलबूते पर हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता काम करता है। इसी बलबूते पर हम 2027 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और लोगों पास 2027 में तो बोलने के लिए कुछ ऑप्शन भी देगा, जैसे बसपा का खाता नहीं खुला, सपा का देख लीजिए क्या हाल है, पिछली बार क्या हाल था, इस बार भी क्या हाल है देख लीजिए, कांग्रेस का हाल देख लीजिए, ये सब यूपी से जाने वाले हैं, सपा बसपा कांग्रेस का नाम मिटाने वाले हैं। और योगी जी फिर से आने वाले हैं और कल देखिए आप जो है शपथ ग्रहण लेंगे। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ पा रही है। एक और सवाल मैं आपसे ले लूं, जिस तरीके से इतना बड़ा भव्य समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ कई बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स शामिल हो रहे हैं, क्या मतलब है इतना बड़ा जो कि भव्य सम्मेलन हो रहा है? भाई ये देखिए, प्रदेश की संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशी का माहौल है, गर्व का विषय है। हम सभी से इसमें अतिथि देवो भव, किसी भी उस समारोह में बुलाया जाए तो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ ये परंपरा है। भाई आप कोई भी कार्यक्रम कोई भी करते हैं, उसमें अतिथियों को बुलाते हैं ना, तो इसमें लोग नाराजगी क्या है? मतलब दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है आशीष जी? दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है 2024 की तैयारी तो नहीं कर रही भाजपा? दिल्ली का रास्ता लखनऊ से भी जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष के हर प्रदेश से भी जाता है। और आप देखते रहिएगा 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, संपूर्ण भारत का समूचा जनमानस, समूचा राज्य जो है उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और ऐड कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी का कहना है, वर्चस्व पांडे जी कह रहे हैं कि आप जो है जनता का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, इतने बड़े सम्मेलन, इतना बड़ा जो ये भव्य समारोह आप करा रहे हैं। कांग्रेस के भाई साहब से पूछिए कि जनता का पैसा कांग्रेस कितना बर्बाद की पैसा डाल रहे, पहले उसका हिसाब तो दे। अगर समाजवादी वाले भी कहते हैं सफाई का तो नाच गुजरा और आता कोई आयोजन नहीं हो रहा था, ये तो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते विचारधारा की सादगी पसंद हो जाती है, कम से कम खर्च में काम करते हैं, इनकी तरह जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद नई नई गाड़ियां इनके कार्यकालों की तरह मुफ्त नहीं कराते वो। और शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जहां के नाम राज्य की स्थापना हो रही है, तो भाई आयोजन होगा तो भव्य ही आयोजन, भगवा राज कायम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगी। प्रीतपाल सिंह सलूजा आपके पास में लौट रही हूँ, इसी अनम्यूट कर लें आप। आशीष जी आप भी अपना माइक जो है अनम्यूट करें। और